अमेठी में शिक्षा का मंदिर मजाक बन गया है। शिक्षक ने स्कूल में पढ़ रही मासूम छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की है, जिसको लेकर छात्राओं ने जमकर विरोध किया है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर निलंबन की कार्यवाही की गई है। अमेठी की तिलोई तहसील अंतर्गत अलाईपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में लगभग एक दर्जन मासूम छात्राओं के साथ शिक्षक द्वारा अश्लीलता करने का आरोप लगा है। छात्राएं जब इसका विरोध करती हैं तो आरोपी शिक्षक उनका नाम काटने की धमकी देता था। बताया जा रहा है कि पूर्व में क्षेत्र के आशापुर विद्यालय में भी ये शिक्षक बच्चियों के साथ अश्लील हरकत को अंजाम दे चुका है। ये बात खुली जब आज आरोपी शिक्षक एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत कर रहा था, तो छात्रा ने अपने परिजनों को बता दिया। इसके बाद छात्राओं ने विरोध शुरू किया और परिवारजन स्कूल पहुंचे तो शिक्षक बाउंड्री कूद कर भाग निकला। हालांकि पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप जिलाधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, प्रतिनिधि सहित अन्य विद्यालयों के शिक्षक की मौजूदगी में आरोपी शिक्षक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मोहनगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया और साथ ही स्कूल प्रबंधन की तरफ से निलंबन की कार्रवाई की गई है। बेटा क्या नाम है आपका, किस क्लास में पढ़ती हो और क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरा नाम है सैजल, मैं 7 क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे कमर पर हाथ धरते थे और मेरे यहाँ सब धरते थे, बदतमीजी भी करते थे, सब लड़के के साथ करते थे। पूरे गांव में पहले दिन आए थे तभी ये चीज करे थे। तमाम लड़के मेरे साथ रहे पर कोई कुछ बोला नहीं। क्या नाम है मास्टर साहब का जिन्होंने जो ऐसी हरकत करते थे? रामकृष्ण। क्या नाम है आपका और क्या हुआ है आपके बच्चे के साथ? हमारा नाम है जयकला और हमारे बिटिया का नाम है नीलम और नीलम के साथ यहाँ छूटे हैं, बदतमीजी करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हर जगह बदतमीजी करते हैं। अच्छे से पढ़ाते हैं कि बच्चे अच्छे अच्छे उम्र से लिख रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं तो लड़के बताते हैं घर में, हमारी बिटिया बताइए अच्छे से लिख रहे हैं और यही सरकार सबको दिया है, सब बदतमीजी करें। मात्रे लोग मात्रे करेंगे तो बच्चे तो स्कूल में करेंगे बदतमीजी, मात्रे को रोकने का कार्य डांटने का, आप बदतमीजी कर रहे हैं तो बच्चे भी कल करेंगे। क्या नाम है आपका और आपके बच्चे के साथ क्या हुआ, कितने बच्चों के साथ? हमारा नाम सरसीलू नाम है, लड़की का नाम शीतल है और हमारे लड़कियों के साथ है, करीब 10-12 लड़कियों के साथ है ऐसा काम ने मास्टर किया। कहीं हाथ कहीं सीने पर डालते हैं, कहीं सीने के नीचे डालते हैं, कहीं चड्डी में डालते हैं और हम लोग गरीब मनई है, पढ़ा जूनियर में नाम लिखा है तो जूनियर में ऐसा देखो मास्टर मिला है कि लड़कियों के साथ गंदा काम कर रहा है। कब से ये घटना चली? यह घटना 2-4 बार हो गई लड़के के साथ। कितने बच्चे हैं जो पीड़ित हैं इस घटना से? हमको लगा थे 10-12 लड़के जरूर हुई हैं। सर, शिक्षा के मंदिर से एक संसार घट करने वाली घटना सामने आई है, क्या है पूरा प्रकरण, किस तरीके की आप लोगों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है? UPS अलाईपुर की एक घटना संज्ञान में आ रही है जिसमें कि कुछ बालिकाओं ने कंप्लेन किया है कि उनके साथ जो यहाँ के शिक्षक हैं वो अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, तो प्रथम दृष्टया वो दोषी साबित हो रहे हैं और इसमें हम लोग उनका निलंबन की कार्रवाई कर रहे हैं और इसके अलावा आगे की कार्रवाई भी की जाएगी और जिस तरह से जो चीज़ें निकल के आएंगी उनको कड़ी से कड़ी सज़ा इनको दी जाएगी। सर, मौके पर अगर देखा जाए शिक्षक के खिलाफ जो मुकदमा है, मुकदमा को लेकर किस तरीके की कार्रवाई है और बच्चों को आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो क्या क्या कहेंगे? ऐसी घटना ना हो इसके लिए सभी बच्चों के साथ हम लोग काउंसलिंग भी कराएंगे इस विद्यालय में और यहाँ पे 2 शिक्षकों को हम लोग लगा भी रहे हैं, शिक्षिकाएँ लगाई जाएंगी और साथ ही साथ जो कानून का काम है वो पुलिस अपना कार्य करेगी और उसमें जांच करके आगे कार्रवाई करेगी। अमेठी से 944 के लिए नौसाद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now 44 News Channel।